राग की ना द्वेष की ना जाति की ना पाति की राजनीति की सदैव राज्य के विकास की। जुल्म का मिटे अंधेरा ज्योति हो प्रकाश की जीत सबकी हो किसी भी आम की ना खास की। जनता चाहती है बागडोर दे प्रदेश की राह तक रही है बहुत देर। सबसे पहले इस सभा में उपस्थित हमारे सभी किसान भाई, सभी हमारे मजदूर, हमारे समाजवादी साथी, सभी सम्मानित
इस सभा में उपस्थित सभी हमारे समाजवादी साथी, सबसे पहले तो मैं अपने सभी सम्माननीय नेताओं का धन्यवाद देता हूं जो मंच पर हैं, साथ ही साथ उन कार्यकर्ता नेताओं का भी मैं धन्यवाद देता हूं जो सुबह से लगातार समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। बहुत सारे नेता कार्यकर्ता हमारे हैं जो सुबह से शाम हो गई लेकिन एक भी कार्यकर्ता का मनोबल नहीं गिरा है। ये जोश हौसला बता रहा है, ये जो चेहरे पर जोश दिखाई दे रहा है मोटरसाइकिल नहीं चलने वाली, 100 रुपए
कि नहीं हो गया? ये अच्छी बात है कि हमारी माताओं बहनों को सिलेंडर दे दिया गया था, उज्ज्वला से सिलेंडर और चूल्हे मिल गए थे। हमारी माताएं बहनें, सच बताना, 1000 रुपए कीमत हो गई कि नहीं हो गई? अब सिलेंडर भरवा पा रही हूं कि नहीं भर पा रही हूं? ये उज्ज्वला वालों ने, और हमारे मुख्यमंत्री तो नाम बदलते हैं, रंग बदलते हैं, अब तो उन्हें उज्ज्वला का नाम उज्ज्वला कर देना चाहिए। अभी उज्ज्वला नहीं है, बुझ गई सबके, अब कोई सिलेंडर नहीं खरीद पा रहा। ठीक ठीक ठीक। इसलिए इस महंगाई में, बताओ महंगाई, गरीबों की जेब काट ली, इस महंगाई ने गरीबों की जेब काट ली, गरीबों की जेब काटी है सरकार ने, महंगाई करके गरीबों की जेब काट ली। और अगर किसी की तिजोरी भरी है तो वो उद्योगपतियों की तिजोरी भरने का काम इन्होंने किया है। कोई सोच सकता है? कोई सोच सकता है? कोई सोच सकता है कि किसानों पे ऐसा अन्याय अत्याचार होगा? क्या लखीमपुर की घटना भूल गए आप? किसान अपने हक के लिए, अपने सम्मान के लिए सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। किसान अपनी मांग को लेकर के, और किसान अपनी मांग क्यों नहीं मांगे? क्योंकि अगर कोई पेट भरता है हमारा आपका, तो किसान पेट भरता है। आज कोई है अन्नदाता तो हमारे अन्नदाता किसान है। न केवल हमारा पेट भरते हैं, बल्कि उन्हीं की मेहनत से हमें कपड़ा भी पहनने को मिलता है। जो हमारा पेट भरता हो, कपड़ा पहनाता हो, जब मांग लेकर के निकला तो बताओ भारतीय जनता पार्टी ने उसको कुचल दिया कि नहीं कुचल दिया? गाड़ी से कुचल दिया, जीप से कुचल दिया हमारे किसानों को। इसलिए किसान भाइयों ने भी तय किया है, इस बार भारतीय जनता पार्टी का पराजय का झंडा उसी जीप पर लेकर के निकालने का काम करेंगे। इसलिए गरीब, सोचो गरीब भाइयों, क्या मिला आपको? यही बीजेपी के लोगों ने बड़े बड़े सपने दिखाए थे आपको। कितने बड़े सपने दिखाए आपको? भेदभाव बढ़ा दिया, जातियों को डरा दिया, और जो अधिकार दिए थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, वो अधिकारों को छीनने का काम हो रहा है। इन बीजेपी से बचना साथियों, ये बचाने के लिए हम लोग रथ से निकले हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार चीजों को बेच रही है। जो हवाई जहाज है वो बिक गए, हवाई जहाज जहां खड़े होते वो एयरपोर्ट बिक गए, ट्रेन बिक गई, स्टेशन बिक गई, पानी के जहाज जहां खड़े होते हैं वो बिक गया। जो भी चीजें सरकारी संपत्ति है वो धीरे धीरे बेचने का काम कर रही है। अगर सब चीज बिक जाएगी तो नौजवानों नौकरी कहां है, रोजगार कहां है? और जो लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा वो जानते होंगे, जिन्होंने इतिहास पढ़ा होगा वो जानते होंगे, भारत में एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, पूरे देश को गुलाम बना दिया था, एक कानून लगा करके प्राइवेट कंपनी सरकार बन गई थी, और ये सरकार के लोग धीमे धीमे बेच बेच करके कंपनियों के हाथ में चली जा रही थी। दोनों सब चीज जब कोई चीज हमें खरीदनी होती है
उड़ाते हैं।
पूछता है हाल अब दुखी उदास का, ना जवाब ही रहा किसी की भूख प्यास का। मूल्य जानते नहीं है जो किसी के श्वास का, चाहिए हिसाब उनसे एक एक लाश का। हाँ विकास का वचन तो क्या हुआ विकास का, कौन जिम्मेदार इस प्रदेश के विनाश का। योग की ना
भोग की, न थोथे राष्ट्रवाद की, जय समाजवाद की, जय जय समाजवाद 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 की। सड़क पर उतरा है लोकतंत्र के चार स्तंभ को, तानाशाही से खतरा है, शोषित पीड़ित वंचित बेरोजगार सड़क पर उतरा है, अल्पसंख्यक मजदूर कृषक निर्धन का दामन उजड़ा है, ऊंच नीच और जाति धर्म में भाईचारा बिगड़ा है, असामाजिक लोगों से माहौल देश का बिगड़ा है, देश में बैठे दुश्मन से सदा हमारा झगड़ा है, आदर्श पुराना सोच नहीं और खून है जवान, समाज की सेवा में निकला समाजवादी कारवा, कारवा ये कारवा समाजवादी कारवा, समाज की सेवा में निकला समाजवादी कारवा, कारवा ये कारवा समाजवादी कारवा, समाज की सेवा में निकला समाजवादी कारवा। काम धाम हो, हर थाली में राशन हो, राजधर्म का पालन करने वाला सच्चा शासन हो, हर एक हाथ में काम धाम हो, हर थाली में राशन हो, राजधर्म का पालन करने वाला सच्चा शासन हो, अपने हक और